सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है सुबह का 11 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ करेले की भुजिया, मतलब करेला का फ्राई। और मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने करेला और प्याज कट कर लिए है, बहुत ही पतला पतला कट कर किया है मैंने, और तेल डाल लिया है। और उसके बाद मैं अभी डालूँगी इसमें सरसों, सरसों को फ़ौरन डालूँगी। और मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज दो सब्ज़ी बनाई हूँ मैं, दाल भी बनाई हूँ। ये तो हम लोग एक ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये मैं पहले डाल दी हूँ मिर्ची, हरी मिर्च, और करेला प्याज को पहले भून लूँगी साथ में। देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से करेला और प्याज को भूनना है। और उसके बाद में ये मैं डाल रही हूँ नमक, नमक डाल के उसको ढक के रख देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो मैं ये ढक के रख दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद खोल के देखना है। देख लीजिए, ये थोड़ा हल्का पकना चालू हो गया है। तो हमारा इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगता है, थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं कम तेल में बना रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं। तो ये मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर, ये मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग रेड चिल्ली ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी। तो ये हमारा हो पक रहा है। और ये मैं इधर दाल बनाई हूँ, कुकर में ही बनाई थी दाल को मैं, और इसको तड़का लगाना बाकी है। तो ये इधर पक रहा है, देख लो। और ये तड़का लगाने के लिए मैं तेल रखी हूँ, ये लहसुन और मिर्ची ले ली हूँ, ये मेरा तड़का भी लग चुका है। और लहसुन और सूखी मिर्ची का तड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए ऐसे ही बना ली हूँ। दाल में पहले से टमाटर, धनिया पत्ती वगैरह डाल के, हल्दी, नमक डाल के मैं कुकर में सीटी लगवा ली थी। और ये हमारा करेला भी ऑलमोस्ट पक ही चुका है। और मैं इसमें डालूँगी दो टमाटर, और मैं इसको हाथ में ही ऐसे करके डाल ले रही हूँ क्योंकि मैं काटूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा था इसलिए। और बाबू को भी, बाबू भी जिद कर रहा था इधर, परेशान कर रहा था। ये हमारा करेला बन के रेडी हो चुका है। देख लिए आप लोगों ने रेसिपी, आज दोपहर को मैं वही बनाई थी करेले की सब्जी, मतलब फ्राई। दाल ऐसे ही सबको, मतलब प्याज वगैरह टमाटर वगैरह एक साथ डाल दी थी, नमक और हल्दी वगैरह, और उसके बाद मैं बना ली थी, मतलब कुकर में बनाई थी और फिर फ़ौरन डाल दी थी ऐसे ही। तो आप लोगों ने देख लिया रेसिपी कैसे लगा बताइएगा। और अभी मैं मतलब चार बज गया है, साढ़े चार बज गया शाम का। और हमारे और आज सब्जी नहीं बनाएंगे, और मैं सीधा दोपहर के मतलब 11 बजे के बाद अभी सीधा शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, काम थोड़ा था, बहुत ज़्यादा कपड़ा धो रही थी मैं। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको सुलाने के लिए। तो सोचा थोड़ा बात कर लेती हूँ। और देखो मुन्नू कैसे रो रहे हैं, और इनको नींद आ रहा है अभी, और शाम को सो जाते हैं बाद में, नाइट में मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो पहले इनको सुला लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, और जितना टाइम में शूट करूँगी आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी मैं मतलब नाइट का और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, दाल और जो करेला रखा हुआ है तो उसको खाएंगे हम लोग, क्योंकि दो लोगों का खाना और थोड़ा ज़्यादा बना लेने से क्या होता है कि दो टाइम के लिए भी हो जाता है। तो कभी कभी बार बार बनाना गैस भी ज़्यादा जाता है और सब्ज़ी भी उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, आप लोग समझ सकते हो बाहर में है। तो हेलो बोल दो बेटा, बाय बाय बोल दो। हाँ, और ये बाय बाय कर रहे हैं अभी, और उसको नींद आ रहा है फिर भी बाय बाय कर रहे हैं। तो ठीक है ना, मुझे चुम्मू दे दो, चुम्मू दे दो, चुम्मू कैसे देते हो दे दो। और लाइट की वजह से ना थोड़ा मतलब अजीब दिख रहा है, कैमरा सही से नहीं आ रहा है क्योंकि रूम में ही है, अभी बाहर नहीं है। बंद करके सब तरफ दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिए, उसको सुलाने का मैं तैयारी कर रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा कपड़ा धोई थी, दोपहर में बिजी थी मैं, तो इसलिए सीधा 11 बजे रेसिपी शूट की, और उसके बाद मैं कपड़ा धोना स्टार्ट कर दी। और मोनू उसके पापा के पास गए थे थोड़ा देर के लिए, फिर सो गए थे, और फिर वो भी उनको नींद आ रहा, अच्छे से उनका नींद पूरा नहीं हो रहा, तो परेशान कर रहे मेरे को। और ये एक पड़ोस की बच्ची है, देख लो कैसे कर रहे हैं लोग, मस्ती कर रहे हैं। और बाय बाय बोलो बेटी, बाय बाय बोल दिया। कौन है? और ये हम लोगों के साथ मार्केट में जाती है, वो इनकी मम्मी नहीं है, उनके पापा के साथ रहती है बच्ची, और हमारे यहाँ आती है खेलने के लिए मोनू के पास। और बहुत ज़्यादा ये लोग दोनों बदमाशी करते, देखो इनको नींद आ रहा है।
तो बस फ्रेंड आज का रेसिपी कैसा लगा बताइएगा, और जब भी मिलूँगी तो आप लोगों से फिर बात करूँगी बाद में, क्योंकि मेरे को भी आगे कंटिन्यू करना है ब्लॉग थोड़ा, मतलब रेसिपी शूट हुआ है आज का मेरा और आज का ये वाला, और मैंने सोची कि अभी अभी के लिए अपडेट दे देती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है 4:30 इवनिंग का टाइम, और सुबह मैं 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट की थी, और अभी 4:30 बजे फिर इनको सुला दूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो फिर आगे बने रहिए कंटिन्यू, और ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं फिर, और ठीक है फ्रेंड अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो बेटी, बाय बाय बोल दियो, बाय 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 बोल दियो। नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, निद्रा था, इनको नींद आ रहा है इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मेरे को, तो मैं इनको सुला देती हूँ। और आप बोले थे ना बाबू को लेके आना है सामने, तो इसलिए मैं लेके आ रही हूँ। और एक सिस्टर हैं जो बार बार बोलते हैं मेरे बाबू को, पूछती है ममता, ममता नाम है उनका, ममता पासवान, तो हमेशा हम उनको लेके आना कैमरे के सामने में वीडियो में लेके आना बोलती हैं। तो चलो ठीक है, आपके फरमाइश में लेके आ गई मैं, और देखो इनकी बदमाशी कैसे जा रही है। बाय बोल दो बेटी। नहीं बोलोगे? आप अच्छे नहीं हो ना, अच्छे हो उनको जमा ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, नींद लग रहा है इनको। चलो ठीक है फ्रेंड, अभी के लिए बाय बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा हवा कर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। हम दोनों क्या कर रहे हैं देख लो, लगे हैं आग तापने के लिए, और बाबू सो रहे हैं अभी। अभी क्या बनाएंगे देख लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, आग ताप रहे हैं, आग जला रहे हैं। ये टीना वाला, तो हम लोग देखो ये टीना वाला मिला हुआ है, उधर पड़ा हुआ था, तो उसी में हम लोग आग जला लिए हैं 2-4 लकड़ी लेके, और अभी आग ताप रहे हैं। और बाबू सो रहे हैं, अभी खाना वाना कुछ नहीं बनाया। देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, अगर कितना टाइम हो गया, 7 बज गया होगा, नाइट हो गया मतलब, और हम लोग आग ताप रहे हैं। और कौन कौन गांव में ऐसी आग तापता है बता देना। और इधर तो अभी से ठंडी चालू है, बहुत ज़्यादा हवा कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही पानी गिर रहा है। ये देखो आग भी उड़ रहे उधर। आप कुछ बोलो, बोलो हेलो फ्रेंड, बोलो। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है तो बोल नहीं सक रहे हैं, इनका मुंह बंद है। ऐसे हैं ये, बोलते नहीं है कुछ भी पता है। और ना मेरा फर्स्ट वीडियो का ना, जैसे जब मैं ट्रायल करती थी और कैसे बनाती थी वीडियो बोल के बताती थी, कैसे बनाऊँ बोल के इनको बोल के बताती थी ना, तो ये मेरे को कैसे चिढ़ाते हैं ना, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? कमेंट में बताना, दिखाओ बोल के फिर दिखाऊंगी। थोड़ा कुछ तो बोल दो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को, हैं, बोल दो। हेलो फ्रेंड कैसे हो, बोलो। हेलो फ्रेंड कैसे हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं आज, दिखा भैया नीचे। हाँ, आग तापने में हम लोग बैठे हुए हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है, गांव का याद आ रहा है मेरे को, क्योंकि गांव में ना जब मेरी नानी जिंदा थी ना, तो हम लोग शाम को ऐसे गोरसी होता है ना हमारे साइड छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, गोरसी मतलब मट्टी का राउंड वाला बनता है, मटका जैसे, मटका के ऊपर में छापते हैं और उसमें आग तापते थे, तो वही याद आ रहा है। और जो धान का जो क्या बोलते हैं, जिसमें धान नहीं होता ना, जो धान नहीं पक पाता है, तो हम लोग तो क्या बोलते हैं इसका छत्तीसगढ़ में बदरा बोल थोड़ा ज़्यादा ही हंसी आ गया था इसलिए मैं वीडियो बंद कर दी थी, अभी बढ़ा रही फिर से, और ये फूंक रही थोड़ा सकल दिखा। तो हम लोग ऐसे करते थे, और ये अभी चले गए, मेरे को बहुत ज़्यादा हंसा रहे थे और अभी चले गए हैं। और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो सुबह से कितना 5, 5:30, 6 बजे से ऐसे ठंडी के टाइम में निकल जाते थे, और बहुत ज़्यादा पैरा लेके आते थे जो धान का घास होता है ना वो, और जलाते थे और लड़ाई करते थे मोहल्ले के जितने भी लोग रहते थे ना,
सब बच्चे लोग लड़ाई करते थे और एक दूसरे को ऐसे धक्का मारते थे, कोहनी मारते थे, मतलब पास पास मैं पहले तापूंगा, वो बोलता मैं पहले तापूंगा। तो हम लोग क्या करते थे, जोर से ज़्यादा पैरा डालते थे, जोर से जलता था, फिर ज़्यादा जोर से एकदम तेज आँच आता था ना, तो फिर दूर हट जाते थे, फिर हम लोगों को जगह मिल जाता था। तो ऐसे ही मस्ती करते थे। तो आज पुराना बचपन का दिन याद आ गया हम लोगों का। और मेरी नानी बहुत अच्छी थी, कुछ भी हम लोगों को बिना दिए नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा मेरी नानी अच्छी थी। मैं बहुत अपने नानी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और मेरी मम्मी भी एक एक दिन ना उनको याद करके बहुत ज़्यादा रोती है मेरी नानी को। और हम लोग ऐसे ही हस्बैंड वाइफ मस्ती मजाक करते रहे, मेरे सामने बहुत हंसते हैं ये, लेकिन कैमरे के सामने में चुप रहते हैं, मेरे सामने बहुत मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो ऐसा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आग ताप रहते हैं हम लोग। और आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि ऐसे हंस रहे हैं, तो कभी कभी कैमरे के सामने भी हंसना चाहिए। और उसको ना हमारे छत्तीसगढ़ में ना वो धान का जो जो धान नहीं होता है ना, वो मतलब धान नहीं हो पाता है अंदर में, मतलब चावल नहीं हो पाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो धान नहीं हो पाता उसको क्या बोलते हैं, कूटा, कूटी भी बोलते हैं, कूटा भी बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, और बदरा भी बोलते हैं, पोल बोलते हैं, बदरा बोलते हैं, उसको ऐसे ही बोला जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उसको रियल में बोलते क्या है मेरे को मालूम नहीं, हमारे गांव में जो बोला जाता है मैं वही बोल दे रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसा है, और हम लोगों का दोनों का केमिस्ट्री ऐसा ही है। आप लोग देख लीजिए कैसे लगा, बताइएगा कमेंट करके। और आज का ब्लॉग इतना ही था फ्रेंड, तो ब्लॉग कैसे लगा बताइए। नाइट हो गया, बहुत ज़्यादा इधर ठंडी लग रहा है, और कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या बोलूँ, गुड नाइट। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और राज बाबू को नहीं मिलवाओ क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही बस, तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।